उसके बाद आप बहुत ही आसानी से फ्री में आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे, वो भी 5 लाख रुपीज तक। दोस्तों अगर आप वेस्ट बंगाल का सिटीजन हो और अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्यसाथी कार्ड के द्वारा सीएमसी हॉस्पिटल में जाके आप फ्री में अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वो भी 5 लाख रुपीज तक, तो आप लोगों को आज का जो वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए पहले का जो रूल्स था आज का डेट में तो है ही, लेकिन रिसेंटली और एक बिल्कुल नया रूल्स आया है और इस रूल्स को आपको फॉलो करना ही चाहिए। अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप सीएमसी हॉस्पिटल में जाके फ्री में आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और आपका सीएमसी हॉस्पिटल जाना बेकार में हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा न्यू रूल्स आया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से समझाऊंगा और आप लोगों को ध्यान से भी समझना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो को आप लोगों को कम्प्लीटली वॉच करके जरूर जाना, कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पहले सीएमसी हॉस्पिटल में जाने के लिए स्वास्थ्यसाथी कार्ड को लेकर कोई भी रूल्स नहीं था, आपके पास सिर्फ स्वास्थ्यसाथी कार्ड एक होना चाहिए था, जिसका नेम से कार्ड है सिर्फ वही ट्रीटमेंट कर पाएगा। मान के चले कि एक आपका फैमिली में दो मेंबर है, दो मेंबर का नेम से एक ही कार्ड है, तो वहाँ पर सीएमसी हॉस्पिटल में जाने के बाद जब कार्ड को स्वाइप अप करेगा तो वहाँ पर दोनों का दोनों ऑप्शन आएगा, अगर दोनों नाम से एक ही कार्ड बनाए तो वहाँ पर जिसका नेम से कार्ड है यानी कि जिसका प्रॉब्लम है, जिसका डिजीज है, सिर्फ वही देख पाएगा, समझ गए। लेकिन दोस्तों बीच में और एक अपडेट आया था, गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी कि जो गवर्नमेंट अप्रूवल क्या है मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए स्वास्थ्यसाथी कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था रजिस्टर फॉर सीएमसी भेलोर, वहाँ पर जाने के बाद जब जाते थे तो वहाँ पर आप लोगों का डिटेल्स भर देना पड़ता था, आपका अपॉइंटमेंट डिटेल्स, आपका डॉक्टर का डिटेल्स, पेशेंट का डिटेल्स, हॉस्पिटल का डिटेल्स भर देने के बाद आप लोगों को एक गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाता था, यानी कि एक प्रिंट आउट मिल जाता था और उसी प्रिंट आउट को लेकर और स्वास्थ्यसाथी कार्ड को लेकर आपको सीएमसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट हो जाता था बहुत ही आसानी से। लेकिन दोस्तों बीच में और एक भी अपडेट आया था वहाँ पर, डॉक्टर का रेफरेंस। देखिए दोस्तों डॉक्टर का रेफरेंस क्या होता है, देखिए दोस्तों मान के चले कि अगर आप लोगों का कोई भी नॉर्मल सा केस है, नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल के अंदर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप लोगों को सीएमसी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट करने के लिए, आप वेस्ट बंगाल के अंदर ट्रीटमेंट आप लोगों को करना ही होगा। लेकिन दोस्तों मान के चलिए कि अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है, सीरियस केस है, इमरजेंसी केस है, पेशेंट का हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है और वेस्ट बंगाल का अगर किसी डॉक्टर को रिक्वेस्ट करने के बाद या तो फिर किसी डॉक्टर ने वहाँ पर आप लोगों को रेफर कर दिया है, यानी कि एक रेफरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, रेफरेंस सर्टिफिकेट में अगर डॉक्टर लिख देता है कि इस हॉस्पिटल के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, आपको सीएमसी हॉस्पिटल में जाना है, कुछ इस टाइप का रेफरेंस अगर दे देता था तो वहाँ पर उसी रेफरेंस सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट अप्रूवल और स्वास्थ्यसाथी कार्ड को लेकर जब आप सीएमसी हॉस्पिटल में जाते थे तो वहाँ पर आपका बहुत ही आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता था। लेकिन दोस्तों रिसेंटली और एक बिल्कुल नया रूल्स आया है और इस रूल्स को आपको फॉलो करना ही चाहिए, तो कौन सा रूल्स है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊंगा, सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना चाहिए, आपके पास एक स्वास्थ्यसाथी कार्ड होना ही चाहिए, जिसका नेम से कार्ड है सिर्फ उसी का ही ट्रीटमेंट हो पाएगा, यानी कि जो आदमी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं उसका नेम से कार्ड होना चाहिए, सिर्फ वही ट्रीटमेंट कर पाएगा, समझ गए। उसके बाद नंबर टू, आप लोगों को एक काम करना चाहिए, डॉक्टर का एक रेफरेंस चाहिए, डॉक्टर का रेफरेंस क्या है मैंने सबसे पहले बता दी थी तो भी मैं बता देता हूँ, अगर आपका नॉर्मल सा केस है तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर आपका सीरियस केस है, क्रिटिकल केस है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस है तभी आप लोगों को डॉक्टर का रेफरेंस चाहिए। डॉक्टर्स का रेफरेंस के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर किसी भी एक डॉक्टर का एक रेफरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पर लिख देना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा या तो फिर इस हॉस्पिटल के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, आपको सीएमसी हॉस्पिटल जाना है वहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसी रेफरेंस जो सर्टिफिकेट है उसी रेफरेंस सर्टिफिकेट को आपको कलेक्ट करना ही चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को एक काम करना चाहिए, नंबर थ्री, आप लोगों को जो उसे जो सर्टिफिकेट है यानी कि रेफरेंस सर्टिफिकेट है, डॉक्टर का रेफरेंस सर्टिफिकेट को लेके आप लोगों को सीधा जाना है आपका डीएम ऑफिस में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में आप लोगों को जाना है, वहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा बदले में, उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्स को भी आपको कलेक्ट करना है, समझ गए। यहाँ पर नंबर फोर, नंबर फोर जो होता है आपको उसके बाद
आपका जो सीएमसी हॉस्पिटल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम कैसे रजिस्टर किया जाता है, कैसे लॉगिन किया जाता है और कैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया जाता है, कॉम्प्लीटली मैंने गाइड दिया है एक वीडियो के माध्यम से। आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ नॉलेज भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को लॉगिन करने के बाद डॉक्टर का एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट में आपका डिटेल्स रह जाएगा, डॉक्टर का डिटेल्स रह जाएगा, हॉस्पिटल का भी डिटेल्स रह जाएगा। तो उसके बाद नंबर फाइव लास्टली जो है काम करना है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का नेम है www.swasthyasathi.gov.in, कुछ इस टाइप का है। वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को उसी साइड में जाने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर फॉर सीएमसी वेल्लोर हॉस्पिटल, वहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म में आपका डिटेल्स भर देना पड़ेगा, जो डिटेल्स मांगेगा आपको उसी डिटेल्स भरना है, पेशेंट का डिटेल्स, डॉक्टर का डिटेल्स, हॉस्पिटल का डिटेल्स देना है। उसके बाद फाइनली जब सबमिट कर देंगे तो आप लोगों को एक गवर्नमेंट का अप्रूवल स्लिप मिल जाएगा, एक पेज मिल जाएगा, उसी पेज को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसी पेज को प्रिंट आउट को लेके आपको जाना है। ये जो दोस्तों देखिए, ये जो डॉक्टर का जो यानी कि जो गवर्नमेंट अप्रूवल है, गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए जो स्लिप निकलता है आप किसी भी साइबर कैफे जाके कर सकते हैं या तो फिर आपका मोबाइल के द्वारा भी आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे आप मोबाइल के द्वारा करेंगे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो न्यू जो अपडेट आया था यानी कि रिसेंटली जो न्यू रूल्स आया था वो ये है कि आप लोगों को पहले क्या करना चाहिए, डीएम ऑफिस में जाना है, यानी कि डॉक्टर का रेफरेंस सर्टिफिकेट को लेके आप लोगों को डीएम ऑफिस में जाना है। डीएम ऑफिस में वहाँ पर सबमिट करना है, बदले में कुछ पेपर्स देगा, उस पेपर्स को आपको कलेक्ट करना है। बाकी जो रूल्स था वो पहले था, लेकिन ये जो रूल्स मैंने बताया बिल्कुल नया है। तो इतना सारा काम करने के बाद फाइनली जो आप लोगों का गवर्नमेंट अप्रूवल मिल जाएगा और जितना सारा पेज आपके पास है उसी फाइनली सब पेज को लेके और स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेके आप लोगों को सीएमसी हॉस्पिटल में जाना है। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से फ्री में आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे, वो भी 5 लाख रुपीज तक, समझ गए। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को लेके चलूंगा मोबाइल का स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो लास्टली पॉइंट मैंने बताया है गवर्नमेंट का अप्रूवल आप कैसे मोबाइल से कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको समझाने के लिए अभी मैं लेके चलूंगा आप लोगों को मोबाइल का स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को गूगल ब्राउजर या तो फिर क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहां पर सर्च बार में आपको सर्च करना है, यहां आप देख सकते हैं www.swasthyasathi.gov.in, स्वास्थ्य साथी का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाके आप लोगों को टैप करना है। तो यहां पर टैप करने के बाद आप देख सकते हैं आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहां आप देख सकते हैं स्वास्थ्य साथी का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है आप लोगों को, swasthyasathi.gov.in कुछ इस टाइप का, यहां आप लोगों को टैप करना है। तो टैप करने के बाद स्वास्थ्य साथी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहां आप देख सकते हैं स्वास्थ्य साथी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है और यहां एक नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं इस जगह में, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। ये देखिए न्यू अपडेट और यहां लिखा गया आप देख सकते हैं हॉस्पिटल आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द, यहां देख सकते हैं रेस्पेक्टिव फोल्डर्स, यानी कि जितना सारा जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप लोगों को बता दी थी उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहां पर फोल्डर में अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहां आप देख सकते हैं रजिस्टर फॉर वेल्लोर सीएमसी, इस ऑप्शन आ गया है, यहां आप लोगों को टैप करना है। तो टैप करने के बाद यहां एक पेज ओपन हो जाएगा और पेज ओपन हो जाने के बाद यहां देख सकते हैं आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो URN नंबर है आपको यहां पर डालना है और उसके बाद इस जगह में आप लोगों को मोबाइल नंबर आपका जो स्वास्थ्य साथी कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसी मोबाइल नंबर को यहां आप लोगों को डालना है और उसके बाद यहां सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं सारा काम कर लेता हूं, उसके बाद मैं दिखाता हूं क्या ऑप्शन आता है उसके बाद। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं सबमिट करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के लिए आप लोगों को ये जो फॉर्म है आप देख सकते हैं सारा का सारा डिटेल्स आप लोगों को भरना है। तो यहां देख सकते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य साथी का डिटेल्स के बारे में यहां दिया गया है, यहां पर हेल्पलाइन भी दिया गया है, आप चाहे तो इस नंबर पर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अगर आप लोगों का स्वास्थ्य साथी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर द ट्रीटमेंट इन आउटसाइड वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल का आउटसाइड में जो हॉस्पिटल होता है सीएमसी हॉस्पिटल
उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल्स दिया गया है, और यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ आप लोगों को डिटेल्स देना है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को हॉस्पिटल का नेम चूज करना है कुछ इस टाइप का। इस जगह में आप जब टच करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं CMC वेलोर आ गया है। यहाँ आप लोगों को सिर्फ CMC वेलोर ही आ रहा है, CMC वेलोर को आप लोगों को चूज करना है। और चूज करने के बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना है, और इस जगह में आप देख सकते हैं ये जो ब्लैंक है, इस जगह में आप लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो URN नंबर है यहाँ पर डालना है। और इसी जगह में डालने के बाद आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड में कौन सा आपका फैमिली का मेम्बर ऐड हुआ है, यानी कि एक ही स्वास्थ्य साथी कार्ड से कितना कैंडिडेट ऐड हुआ है यहाँ पर आप लोगों का शो होगा। तो आप जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं सिर्फ उसका नाम यहाँ पर डालिए, और डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद ये जो जगह है वैलिडेट, यहाँ पर आप लोगों को वैलिडेट करने के बाद ऑप्शन दिखेगा। तो उसके बाद इस जगह में आप लोगों को पेशेंट का नेम देना है, कुछ इस टाइप का पेशेंट का नेम आएगा, आप देख सकते हैं इस जगह में, तो पेशेंट का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ आप लोगों को देना है। उसके बाद पेशेंट का डिस्ट्रिक्ट इस जगह में आप लोगों को देना है, आप देख सकते हैं इस जगह में। उसके बाद थोड़ा हम नीचे चलते हैं, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं पेशेंट का एड्रेस देना है इस जगह में, पूरा का पूरा जो एड्रेस है एड्रेस डिटेल्स देना है। उसके बाद इस जगह में पिन कोड डालना है, और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद इस जगह में पेशेंट का ईमेल आईडी अगर है तो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास ईमेल आईडी मौजूद है तो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों और एक मेन चीज़ है, यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टार मार्क जो दिया गया है, आप देख सकते हैं ये जो स्टार मार्क है, यानी कि इस स्टार मार्क को जहाँ पर आपका है उसी जगह पर आपको फिल करना मैंडेटरी है, जहाँ पर स्टार मार्क नहीं है उसको फिल करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रपोज ट्रीटमेंट डेट, यानी कि जो अपॉइंटमेंट लिए थे वहाँ पर जो ट्रीटमेंट का डेट दिया गया है इसी जगह में आप लोगों को देना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर नेम, यानी कि जो डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का डिटेल्स यहाँ देना है, जैसे कि कुछ स्टेप का सिलेक्ट करना है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा डिपार्टमेंट ओपन होकर आ रहा है, जैसे कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके बाद केमो ड्रग, उसके बाद CTBS यानी कि कार्डियोथोरासिक, डेंटल, ER, एंड्रोक्रिनोलॉजी, उसके बाद एंडोस्कोपिक प्रोसीड्योर, ENT, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जनरल पेडियाट्रिक, जनरल सर्जरी, हेमाटोलॉजी, हिस्टेरोस्कोपी प्रोसीड्योर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल कंडीशन, उसके बाद मेडिकल कंडीशन, अदर अनस्पेसिफाइड कंडीशन, उसके बाद न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, नोज का प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड गाइनोकोलॉजी, ऑंको सर्जरी, उसके बाद ऑप्थाल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, पेडियाट्रिक नोएनेट केयर, उसके बाद पेन मैनेजमेंट, पेडियाट्रिक्स, उसके बाद प्रोसीड्योर्स, उसके बाद रेडियोथेरापी एंड केमोथेरापी, उसके बाद स्क्रीन प्रोसीड्योर, थ्रोट एंड यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। इतना सारा डिपार्टमेंट अवेलेबल है, आप चाहे तो इतना सारा डिपार्टमेंट से किसी भी एक डिपार्टमेंट आप चूज कर सकते हैं, जिस टाइप का आपका डिजीज है उसके हिसाब से आपको चूज करना है। तो मान के चले मैं किसी भी एक डिपार्टमेंट को चूज करके अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि एक डिपार्टमेंट को मैं अभी चूज कर रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ गया ओंको सर्जरी, आप देख सकते हैं जो ओंको सर्जरी है इसको मैं चूज कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर जब मैं इसको चूज कर रहा हूँ तो यहाँ थोड़ा वेट कर पेज लोड होगा, उसके बाद इस जगह में आपको फिर से आना होगा, और यहाँ आप लोगों को पैकेज सिलेक्ट करना है, आप देख सकते हैं जो पैकेज है, पैकेज को आपको इस जगह में कुछ स्टेप का सिलेक्ट करना है। तो पैकेज जो है आपको ध्यान से आपको भरना है, जिस टाइप का आपका प्रॉब्लम है उसका हिसाब से आपको पैकेज को भरना है, आपका जिस तरह का प्रॉब्लम है डिजीज है उसका हिसाब से आप लोगों को पैकेज को भरना है, जैसे कि केमोथेरापी लेना है, ट्रीटमेंट करना है, कुछ स्टेप का आप लोगों का आपका पैकेज को कुछ स्टेप का आपको भर देना है। तो उसके बाद इस जगह में आपको ट्रीटमेंट का डिटेल्स देना होगा, इस जगह में फिल करना होगा कौन सा डिजीज हुआ है आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम हुआ है, इस जगह में आपको फिल करना होगा। उसके बाद ये जो जगह है आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार मार्क कोई भी नहीं है, डॉक्टर्स का नेम वगैरह अगर आप लोगों को पता है तो आप डाल सकते हैं, डॉक्टर्स का मोबाइल नंबर, उसके बाद डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर स्पेशलिटी, उसके बाद अगर आप लोगों का अपॉइंटमेंट बुकिंग आईडी तो आपको पता ही होगा, आप तो अपॉइंटमेंट ले चुके हैं तो उसी आईडी को आपको यहाँ देना है। उसके बाद अगर आपके पास प्रीवियस आपने कभी भी दिखाए थे CMC हॉस्पिटल में तो वहाँ पर प्रीवियस डेट भी यहाँ पर डालना है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो वरना नहीं डालें। तो उसके बाद मेन और एक चीज़ है, यहाँ देख सकते हैं सबमिट का एक बटन आ रहा है, इस जगह में आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद फाइनली एक पेज ओपन हो जाएगा, गवर्नमेंट का एक अप्रूवल आ जाएगा, उसी पेज को आपको डाउनलोड करके रखना है आपका फ़ोन में, उसके बाद आप किसी भी साइबर कैफ में जाके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों और एक बात, अगर आपको ये जो फॉर्म फिलअप है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आपका नज़दीकी किसी भी साइबर कैफ में जाइए, वहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों और एक मेन चीज़ें देख सकते हैं, ये जो व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, अगर आप स्टेटस को देखना चाहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस को, यानी कि ये जो फॉर्म फिलअप है आप जब फिलअप करेंगे तो इसका प्रोसेसिंग होने के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट का अप्रूवल पाने के लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा, 7 दिन का टाइम लग जाएगा। तो अगर आप स्टेटस को चेक करना चाहते हैं यानी कि आपका अप्रूवल हुआ है या नहीं, तो यहाँ जाके आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ऑप्शन आएगा, आपका शाश्वत साथी कार्ड का URN नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद ओके करने के बाद आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आप लोगों को समझाने का कोशिश की है, आप लोगों का जितना सारा कॉन्फ्यूजन हो रहा था वो क्लियर हो गया होगा और आप लोग सब कुछ समझ भी गए होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी इस वीडियो को लेकर आप लोगों का कहीं भी जगह में कोई भी कॉन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं खुद उसका रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर आज के इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ में बेल आइकन को भी और प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को CMC हॉस्पिटल के बारे में लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।